सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के हाउसकीपर और कुक नीरज, सुशांत के कर्मचारी दीपेश सावंत। इन तीनों कड़ियों की मदद से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सुशांत केस की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत वो लोग हैं जो 14 जून को सुशांत के फ्लैट में ही मौजूद थे। शायद यही वजह है कि सीबीआई की टीम का शिकंजा सबसे पहले सिद्धार्थ और नीरज पर कसा। पूछताछ हुई, लेकिन जब 48 घंटे के भीतर दोनों के बयानों में अंतर आ गए तो जांच एजेंसी ने दोनों को एक साथ बिठाया, साथ में दीपेश सावंत को भी शामिल किया और फिर तीनों से एक साथ सवाल जवाब किए गए। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज से ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टरों को लेकर सुशांत के बांद्रा वाले घर पर पहुंची और क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश हुई। सीबीआई की टीम एक बार फिर सुशांत के फ्लैट पर पहुंची है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहुंची हुई है, और साथ में नीरज कुक जो सुशांत का कुक था, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर पहुंची है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, कल भी पूछताछ हुई थी, कल भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, लेकिन बयानों में जब विरोधाभास पाया गया उसके बाद से एक बार फिर यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो जो नीरज है कुक उसको लेकर, जो दीपेश सावंत है उसको लेकर, सिद्धार्थ पिठानी इसको लेकर यहाँ पर पहुंची है। खबर है कि तीन दिनों से तूफानी जांच कर रही सीबीआई अब जल्द ही रिया से भी पूछताछ कर सकती है। रिया को आज ही समन भेजा जा सकता है और उन्हें केस से जुड़े अहम सवालों के जवाब के लिए बुलाया जा सकता है। इस मामले की सबसे अहम किरदार रिया है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें रिया मुख्य आरोपी भी है। रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी और सुशांत को उकसाने का आरोप है। आत्महत्या नहीं, हत्या है, और मुझे लगता है कि अब गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। और अब मुझे आशा विश्वास है कि जो लोग काफी संदिग्ध व्यक्ति जो लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो पिठानी हो चाहे वो संदीप हो, तीन लोगों की अब गिरफ्तारी होनी चाहिए मुझे लगता है। केस से जुड़े सवाल और मामले में आ रहे नए पेज को देखकर अब मामला सुसाइड से बदलकर घिनौनी साजिश की ओर मुड़ता दिख रहा है। लिहाजा रिया समेत सारी कड़ियों से पूछताछ से बेहद अहम खुलासे हो सकते हैं। उधर सीबीआई सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद रफी से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। आज तक पर पहले ही रफी काफी खुलासा कर चुका है कि कैसे सुशांत के घर में मौजूद लोग पूरी तरह रिलैक्स थे। लॉक तोड़ने के बाद जैसे दरवाजा खुला लोग ने मुझे कुछ देखने नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दरवाजा खुला फिर वो बोले कि आप लोग चले जाओ, आप चले जाओ। किसने बोला था? उधर चार जन थे, तीन चार जन थे, उनका नाम नहीं मालूम। पुलिस आ गई थी तब तक? पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी तो बिना पुलिस के ताला तोड़ा गया? वो लोग घबराए उबरे नहीं थे कि क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, घबराए हुए तो नहीं लग रहे थे। हां, घबराए हुए तो नहीं लग रहे। जैसे ऐसे वक्त बीत रहा है, सुशांत केस में कई नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की पड़ोसी महिला ने बताया कि 13 जून की रात सुशांत के घर की लाइट आम दिनों के मुकाबले पहले ही बंद हो गई थी। 13 मई की रात को इस बिल्डिंग ने सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30-11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी, 4-4 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ, तो पूरी लाइट, देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। सीबीआई के सामने ढेरों चुनौतियां हैं, लेकिन जब तक रिया पर शिकंजा नहीं कसेगा तब तक उन चुनौतियों से पार पाना मुश्किल है। सीबीआई की तेज तर्रार अधिकारियों को भी ये पता है